नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको बताएंगे भोलेनाथ की नगरी काशी में निर्माणाधीन वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के आइलैंड प्लेटफॉर्म के बारे में, जैसे कि यह आइलैंड प्लेटफॉर्म कहाँ पर बन रहे हैं, क्या होगी इनकी लागत, क्यों हो रहा है इनका निर्माण एवं बताएंगे इन नवीन आइलैंड प्लेटफॉर्म्स की विशेषताएं। ड्रोन व्यू की सहायता से देखेंगे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति तथा जानेंगे कि इन आइलैंड प्लेटफॉर्म से कहां के ट्रेनों का होगा संचालन एवं कब तक होगा यह जनता को समर्पित। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी व देश की धार्मिक राजधानी अर्थात वाराणसी के विकास का क्रम अभी रुकने वाला नहीं तथा मोदी जी के वाराणसी का सांसद बनने के पश्चात संभवतः ये वाराणसी के नए युग का आरंभ है तथा वाराणसी के विकास में महत्वपूर्ण सभी परियोजनाओं की जानकारी हम आप तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुँचाते रहते हैं। वाराणसी की वैश्विक महत्ता के कारण पावन नगरी के जीवन का अनुभव करने के लिए समस्त संसार के कोने कोने से आने वाले यात्री एवं दर्शनार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है, जिसके कारण से वाराणसी के प्रमुख कैंट रेलवे स्टेशन पर जन व रेल भार को कम करने के उद्देश्य से वाराणसी के अन्य रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया गया। परंतु उसके पश्चात भी जब मनवांछित समाधान नहीं मिला तो प्रशासन ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म्स बढ़ाने का निर्णय लिया, किंतु पर्याप्त स्थान ना होने के कारण से कैंट रेलवे स्टेशन के नवीन प्लेटफॉर्म्स को मुख्य परिसर से थोड़ी दूरी पर बनाने का निर्णय हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि जब कोई रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म से भिन्न अथवा अलग अथवा दूरी पर होता है तो उस प्लेटफॉर्म को आधुनिक भाषा में आइलैंड प्लेटफॉर्म अथवा डॉक प्लेटफॉर्म कहते हैं। बता दें कि 80 के दशक में बना वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का मुख्य भवन आज भी वाराणसी की पहचान में सम्मिलित है। सैटेलाइट के माध्यम से आपको बता दें कि नवीन आइलैंड प्लेटफॉर्म्स वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के मुख्य परिसर से लगभग 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित हैं, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर कैंट रेलवे स्टेशन की वर्तमान में उपस्थित रेलवे प्लेटफॉर्म की पश्चिमी सीमा समाप्त हो रही है, उसके भी आगे से नवीन प्लेटफॉर्म्स अब आरम्भ होंगे। आपको हम यह सभी दृश्य ड्रोन व्यू की सहायता से दिखाते हैं ताकि आपको समझने में सरलता हो। बता दें कि सर्वप्रथम वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के आइलैंड प्लेटफॉर्म्स को बनाने की योजना 2016 में बनी थी तथा उस समय यहां पर 3 नवीन प्लेटफॉर्म्स को बनाने का निर्णय हुआ, परंतु कार्य योजना पर सहमति केवल 2 प्लेटफॉर्म्स की ही बनी एवं अलकनंदा एसोसिएट्स को निर्माण कार्य का दायित्व जुलाई 2017 में प्रदान किया गया, जिसकी अनुमानित लागत आंकी गई थी लगभग 10 करोड़ रुपए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज व टिकट काउंटर का निर्माण भी किया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल फिनिशिंग का कार्य ही शेष है। फुट ओवर ब्रिज व आरंभिक सीढ़ियों पर मार्बल आदि भी लग चुका है। बता दें कि यहाँ पर अड़चन स्वरूप ट्रैक के किनारे बसे अतिक्रमण भी थे जो कि विकास कार्यों में बाधा बने हुए थे, जिनमें की सड़क किनारे दुकानों व अवैध कब्जे के अतिरिक्त रेलवे की भी कुछ संपत्तियाँ थीं, जिनको की हटा करके अवरोध को दूर किया गया है, जिसके पश्चात अब यहाँ इस क्षेत्र में निर्माण कार्य श्रमिकों व मशीन की सहायता से किया जा रहा है, जो कि आपके समक्ष स्क्रीन पर उपलब्ध है। जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थान पर कैंट रेलवे स्टेशन का पुराना गुड्स शेड था, जिसके स्थान पर अब 2 नए यात्री प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं एवं यहाँ ट्रेनों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके लिए यार्ड रिमॉडलिंग कर विकास किया जा रहा है तथा पुराने गुड्स शेड को लोहता और चौखंडी पर स्थानांतरित कर अर्थात शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि यह नवीन आइलैंड प्लेटफॉर्म्स पर वॉशेबल एप्रॉन भी लगेंगे, अर्थात रेलवे ट्रैक को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि उनको सरलता से धुला भी जा सके और गंदगी ना रहे। इसके अतिरिक्त आपको इस नवीन प्लेटफॉर्म के एक और दृश्य दिखाते हुए बता दें कि जिस स्थान से यात्री यहां पर प्रवेश करेंगे वहां पर अभी एक रेलवे का फाटक अथवा रेलवे क्रॉसिंग है एवं वहां पर एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है एवं पास में ही भूमि पर टिकट काउंटर आदि का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। आपको हम यह सभी दृश्य की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं,
तथा ड्रोन व्यू की सहायता से यह संपूर्ण दृश्य दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए फुट ओवर ब्रिज से सीढ़ी को भी बनाया जा चुका है तथा शेष कार्यों को किया जा रहा है। आपको इन प्लेटफॉर्म पर के दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म का निर्माण तो लगभग पूर्ण हो चुका है तथा अब रेलगाड़ियों के लिए रेलवे ट्रैक बिछाने हेतु कार्य संचालित है। इन सभी कार्यों को आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जानकारी हेतु बता दें कि कैंट रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 112 ट्रेनें गुजरती हैं। इस स्टेशन से प्रतिदिन औसतन लगभग 68,000 यात्रियों का आवागमन होता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150% अधिक है। अर्थात काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन के पश्चात यह संख्या बढ़ी है। ऐसे में रेलवे ने इस स्टेशन के सौंदर्यीकरण व वर्तमान प्लेटफॉर्मों में सुधार, 2 नए प्लेटफॉर्म, 2 नए FOB और 3रे प्रवेश द्वार आदि के बनाने का निर्णय लिया है, जिसका कार्य इस समय तीव्र गति के साथ संचालित है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर अब तक 9 प्लेटफॉर्म थे, परंतु शीघ्र ही 9 नहीं अब कुल 11 प्लेटफॉर्म होंगे। स्टेशन के लोहता की ओर से प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 से जोड़ते हुए 2 और डॉक प्लेटफॉर्म अर्थात आइलैंड प्लेटफॉर्म 10 और 11 बनाए जा रहे हैं। दोनों प्लेटफॉर्मों को बनाने में कुल लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इन नवीन प्लेटफॉर्म्स के निर्माण कार्य के पूर्ण होने की जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि इस निर्माण कार्य को इसी वर्ष मार्च महीने के पश्चात कभी भी बन करके तैयार हो जाना है, जिसमें कि बेस वर्क का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्लेटफॉर्म पर कुछ फिनिशिंग कार्य रह गए हैं, वही चल रहा है तथा इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कैंट स्टेशन पर ट्रेनों को आउटर में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और ट्रेन समय से प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगी। इस नवीन आइलैंड प्लेटफॉर्म की विशेषताओं की जानकारी के लिए बता दें कि इन प्लेटफॉर्म्स की निर्धारित लंबाई 686 मीटर है और चौड़ाई 12 से 13 मीटर रखी गई है, जिसमें कि अधिकतम कोच वाली यात्री गाड़ी भी इन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाए और यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी देने हेतु बता दें कि यह नवीन प्लेटफॉर्म एक ओर से बंद रहेंगे। इन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में वापस इसे लौटना होगा। आप यदि यह सोच रहे होंगे कि इन नवीन प्लेटफॉर्म से कहां की ट्रेनों का होगा प्रस्थान, तो आपको हम बता दें कि स्टेशन पर 3रे नंबर का प्रवेश द्वार बनाया जाना है। यहीं से प्लेटफॉर्म संख्या 10 व 11 बनाया जा रहा है। इस रेलवे लाइन को प्लेटफॉर्म 5 से भी जोड़ दिया जाएगा। यहीं से प्रयागराज और प्रतापगढ़ रूट की ट्रेनें चलेंगी। महत्वपूर्ण है कि वाराणसी के इस नवीन आइलैंड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने से जहां एक ओर इसका लाभ रेलवे ट्रैक की सुगमता से मिलेगा, वह रेल यात्रियों को रेल के विलंब होने से मुक्ति भी मिलने की संभावना है, तो वहीं दूसरी ओर यह नवीन प्लेटफॉर्म्स काशी की आधुनिक छवि को वैश्विक स्तर पर ऊंचा कर देश की धर्म नगरी होने के नाते भारत के सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी के आइलैंड प्लेटफॉर्म्स की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।